हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अगेन एक रिव्यू वीडियो, क्योंकि मैंने देखा है अपनी वीडियोस में ज़्यादातर आप लोगों को मेरे दिए हुए रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं, और इसलिए इस बार मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए पॉन्ड्स का रिव्यू। ये पॉन्ड्स की क्रीम है, सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन, जिसके अंदर आपको मिल रहा है हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई। सो गाइज, वैसे आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ इसका रिव्यू करने के लिए, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के लिए फाइनली इसको रिव्यू कर दूँ, क्योंकि वैसे तो आप लोग को यूट्यूब पे काफ़ी सारे इसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे, और इसको मार्केट में आए हुए कुछ महीने हो चुके हैं, बहुत टाइम नहीं हुआ बट यस कुछ महीने हो चुके हैं, और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, जब तक कि मैं पूरा अच्छे तरीके से किसी प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फाई नहीं हो जाती हूँ, और मुझे रियलाइज़ जब तक नहीं होता है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ इसका रिव्यू करने के लिए, तब तक मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं लाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं होती है। बेशक मैं लेट रिव्यू करूँ, लेकिन मैं बिना अच्छे से प्रोडक्ट को यूज़ करे कभी रिव्यू नहीं लेके आती। सो यस गाइज, ये कोई पीआर प्रोडक्ट नहीं है, मैंने खुद अपने पैसों से इसे बाय किया है, इसे यूज़ किया है, और ये प्रोडक्ट जो है एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा था तो उन्होंने रिकमेंड किया, तो उनके रिकमेंडेशन के बाद मैंने इसे बाय किया, इसे यूज़ किया, और फिर ही मैं आप लोग को इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो सो गाइज, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से गोल से डब्बे के अंदर आता है, इतना पतला सा है, जो कि आराम से आपके पर्स में कैरी हो सकता है। यस, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, और मैंने जो लिया था ये मैंने इसका बड़ा पैकेज लिया था, इसके छोटे भी आई थिंक 100 ग्राम या 75 ग्राम कुछ, या 90 ग्राम था आई थिंक, वो आप लोग को मिल जाएगा। ये 147 ग्राम है, जो कि है 299 रुपीज़ में, और मैंने इसको इसलिए बाय किया, बड़े को इसलिए बाय किया क्योंकि अक्सर हम बड़ा प्रोडक्ट बाय करते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए मैंने इसे बाय किया। और ये प्रोडक्ट विटामिन ई के साथ है, आजकल इसके काफ़ी ज़्यादा सीरम्स एंड क्रीम्स बहुत बन रही हैं, तो ये बजट के अंदर आप लोग को मिल रहा है। तो गाइज, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कुछ एल्युमिनियम सी पैकिंग आती है इसके ऊपर, उसको हटाने के बाद ये जेल फॉर्म में है। मैं ऐसे नहीं करूँगी अदरवाइज गिर जाएगा, मैं आप लोग को हाथ में लेके दिखाती हूँ कैसे दिखता है। ये देखिए, इस तरीके से दिखता है, जेल फॉर्म में है, जो कि आपकी स्किन के अंदर बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल ऑयली नहीं है। इन केस आपके फेस पे अगर ये ज़्यादा लग भी जाता है तो थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, तो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर, और आपकी स्किन हाइड्रेटिंग लगेगी, बिल्कुल ऑयली और कुछ भी ऐसा लगेगा नहीं आपने अपने फेस पे लगाया था, बिल्कुल लाइट वेट है ये। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, मुझे सच में ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है गाइस। मैं इसे करती हूँ मॉर्निंग और नाइट में, तो इवन आप मेकअप करने से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, आप चाहे तो अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है इसके अंदर। आप अगर आपके बालों में भी थोड़ा सा लग जाता है ना, तो आपके बाल भी स्टिकी नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं ये अभी पानी जैसा लग रहा है, एब्जॉर्ब हुआ नहीं है, ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो देख सकते हैं ये शाइन शाइन छोड़ देता है आपके फेस में। यस, काफ़ी अच्छी शाइन छोड़ देता है जब आप इसे लगा लेते हैं ना, काफ़ी अच्छी शाइन छोड़ता है। तो अगर आपको ग्लोइंग फेस चाहिए और मेकअप भी ग्लोइंग चाहिए ना, तो आप अपने मेकअप से पहले इसे लगा सकते हैं, और डेली के बिना मेकअप करे भी अगर इसे यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत अमेजिंग लगता है। ट्रस्ट मी गाइज, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ाइयाँ करी, क्योंकि मुझे सच में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों से इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ाइयाँ करी, अदरवाइज़ मुझे पर्सनली इस प्रोडक्ट से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, मुझे कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट येस मैं आप लोग को रिव्यू दे रही हूँ, तो इसलिए जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि ये सुपर लाइट जेल है, तो एकदम एग्री करती हूँ मैं इसमें। और इसके प्रोडक्ट भी है ना, ये वाटर बेस है, तो जिनकी स्किन जो है ऑयली या सुपर डुपर ऑयली है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जब इसे अपने फेस पर लगा लेंगे तो आपके इवन के जो पिंपल्स के मार्क
भी होते हैं ना, वो भी विटामिन ई जो होता है वो आपके दाग धब्बों को कम करने में बहुत हेल्प करता है, तो वो भी पिंपल के मार्क को भी थोड़े से कम करने में आपकी हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कहती बहुत जल्दी बिल्कुल ही हट जाएगा, बढ़िया धीरे धीरे करके फर्क आपको दिखने लग जाएगा अपनी स्किन में। जब आप इसे एक दो बार लगाते हैं तो हो सकता है आपको इतनी ज़्यादा पसंद ना आए, बट डोंट वरी, बट आप इसे प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना और एटलीस्ट हफ्ता 2 हफ्ता तो इस प्रोडक्ट को ज़रूर देना, के बाद ये अपने जो इफेक्ट है आप लोग के फेस पे दिखाना शुरू कर देगी। बट इतनी जल्दी आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। बट हाँ, अगर आपको इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेशन और इचिंग वगैरह होती है तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को वहीं स्टॉप कर दीजिएगा, इसके बाद इसको नहीं कंटिन्यू करिएगा। और मैं आप लोग को बता दूँ, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन वाले अगर इसे यूज़ करते हैं तो उनके लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये वाटर बेस है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, और जैसे कि अभी ठंडा वेदर शुरू हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। अगर आप इसके साथ कोई और मॉइस्चराइज़र भी लगाते हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रहेगी, अदरवाइज़ सिर्फ इसको मत यूज़ करिएगा, हो सकता है और ज़्यादा आपको थोड़ा ड्राइनेस लगने लगे फेस पे। मेरी जो है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, बट सर्दियों में कई बार काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बट अभी तक नहीं हुई है ड्राई, तो मैं इसको डेली यूज़ कर रही हूँ। अभी भी आज भी मेकअप मैंने वैसे अपने स्किन पे फेस पे खास कोई मेकअप किया नहीं है गाइज, मैं आप लोग को बता दूँ, तो मैंने इसे फर्स्ट लगाया था, उसके बाद मैंने जो कॉम्पैक्ट लगाया है बस अपने फेस पे, और ये लिपस्टिक, और ये थोड़ा वोड़ू मेकअप करना पड़ता है यार वीडियो करने से पहले, तो बस वो किया है। अगर आपकी सुपर ड्राई फेस है तो भी डरिए मत, बहुत जल्दी मेरा सुपर ड्राई फेस के लिए भी रिव्यू आने वाला है। ये थी मेरी आज की रिव्यू वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये रिव्यू अच्छा लगेगा और फायदेमंद रहेगा। अगर आप लोग को ये अच्छी लगी है वीडियो, आप इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं, और आपके जो भी रिव्यू, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।